कैसे चीजों को कवर अप करना है। देखो बेटा, आपको फिजिक्स वाला की तरफ से कुछ मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड होंगे, नहीं किसी को मिले हैं तो मिल जाएंगे। तो तरीका क्या होता है ना बेटा पढ़ने का, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपका कोई चैप्टर खत्म हो जाए, जैसे कि आपका मोल कंसेप्ट चैप्टर खत्म हो चुका है और वो आपको पता है कि आपका वो कहते हैं ना एक पिलर होता है केमिस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो आप उसको उससे डरते हो। मुझे पता है आप लोग सब उस चैप्टर से डरते हो, आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत से बच्चों को वो चैप्टर समझ में भी नहीं आता बेटा, एंड दैट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल। अगर 100 में से 99 बच्चे भी ये बोले ना कि हमें मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया चैप्टर, आपने DPPs भी अपनी करी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है। आपको इस सिचुएशन में इस पर ओवर पावर करने के लिए करना क्या होता है, आप सबसे पहले अपने पूरे के पूरे नोट्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपका काम है नोट्स को रिवाइज करना है, ऐसे लेके बैठ जाना है एक दिन 2-3 घंटे, अपने आराम से साइड में अपने सारे नोट्स को फैला लो, यहाँ पर सब कुछ फैला के आराम से बैठो, है ना, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, अच्छा ये ऐसा ये ऐसे, इट्स ओके। उसके बाद क्या है, जो तुम्हें मॉड्यूल्स मिले होंगे फिजिक्स वाले की तरफ से, उनको सॉल्व करो। पहले NCERT मत लगाना बेटा, NCERT सबसे लास्ट में लगती है, क्योंकि NCERT क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, वो लेवल हमारे नीट के एग्जाम जैसा नहीं होता। जो बैक क्वेश्चंस आपको NCERT के दिए हुए ना बेटा, वैसे क्वेश्चंस नीट में नहीं आते, नीट में मूल कंसेप्ट के बहुत ही